तो दोस्तों ये हमारे पास है सैमसंग का A10s फ़ोन। और दोस्तों ये सैमसंग का A10s फ़ोन है और पहले ये हमारे पास आया हुआ था कॉम्बो चेंज होने के लिए। तो कॉम्बो देख सकते हैं कि अभी हमने डाल दिया है, इसमें कॉम्बो डाल दिया है। और कॉम्बो डालने के बाद फ़ोन ऑन तो हो रहा है, तो ऑन हमने किया था लेकिन ये फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है। तो चलिए अभी हम दिखाते हैं आपको चार्जिंग पर लगा के, तो देख सकते हैं। देखिए ये वाला फ़ोन चार्ज हो रहा था और यही चार्जर हमने निकाला ताकि आपको पता चले। देखिए ये फ़ोन चार्ज हो रहा है, तो यही चार्जर हम सीधा इसमें लगाते हैं और लगाने के बाद हम आपको टेस्ट कराएंगे कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। देखिए लगा दिया है, सब कुछ जैक सारे सही से लगे हुए हैं। और दबा देते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी चार्जिंग का लोगो सैम्पल नहीं दिखाई दे रहा है। बटन भी दबाया तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो चार्जिंग की इसमें प्रॉब्लम है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम क्रिएट है। तो हमने देखा तो ये वाली जो प्लेट है ये वाली हमने चेंज करके देखी तो इसमें चार्जिंग हो रही थी। तो इसका मतलब है कि ये वाली प्लेट ख़राब है, इसकी वजह से चार्जिंग में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपके पास ये वाली प्लेट दूसरी नहीं है तो किस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि चार्जिंग जैक जो होता है, ये चार्जिंग जैक आपका सही होना चाहिए। तो हमने चार्जर पहले लगाया तो यहाँ पे वोल्टेज जो है सप्लाई सब कुछ हमको प्रॉपर मिल रहा था। तो देखिए अभी हम आपको चेक भी करा देते हैं। ये चार्जर हमने लगा दिया है, चार्जर लगाने के बाद ये जो चार्जिंग प्लेट है, चार्जिंग जैक है, यहाँ तक तो वोल्टेज हमारा सही से आ रहा है। देखिए हमने डीसी की 200 रेंज पे सेट किया हुआ है मल्टीमीटर को, यहाँ पे ये पॉजिटिव मिल जाता है हमारा। और यहाँ पे देखते हैं तो देखिए 5.1 वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि ये जैक जो है ये बिल्कुल परफेक्ट सही है। तो यहाँ तक तो हमारा सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ तक सप्लाई मिल रही है, लेकिन यहाँ से जो सप्लाई हमको मिलनी चाहिए वो यहाँ तक मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जैक लगा हुआ है, इस जैक से सप्लाई हमारी यहाँ तक आती है, ये इस वाले जैक तक। तो यहाँ से यहाँ तक सप्लाई हमारी मिसिंग है। देखिए यहाँ पे तो सप्लाई आ रही है, तो चार्ज भी होना चाहिए। लेकिन देखिए चार्ज नहीं हो रहा है, सप्लाई आ रही फिर भी चार्ज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आपको करना क्या है वो हम आपको बता देते हैं। सप्लाई भी यहाँ पे मिल रही है हमको, देखिए नहीं अब नहीं मिल रही है, पहले मिल रही थी। अच्छा यहाँ पे ग्राउंड अटैच हो जाता है तो डिस्टर्ब होता है, तो इसमें ये सप्लाई यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे वास्तविक सप्लाई आ नहीं रही है। ठीक है, हमारा ये जो सुई है ना जो ग्राउंड में लग जाती है, तो इस वजह से ये शो कराने लगता है, लेकिन यहाँ तक सप्लाई हमारी मिसिंग कंडीशन में है। ठीक है, तो हमको करना क्या है कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे एक जंपर देना है। तो चलिए हम जंपर दे देते हैं, इसके बाद लाइव आपको जंपर दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको चार्जिंग होते हुए भी दिखाएंगे। तो देखिए अभी हम चार्जर को निकाल देते हैं, चार्जर को निकालने के बाद हम यहीं पे रख देते हैं। ठीक है, और ये जंपर लेते हैं एक, तो ये जंपर सीधा यहाँ पे हमें थोड़ी सी सोल्डिंग करनी है। ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, देखिए पास से दिखा देते हैं,
ये वाला पॉइंट जो यहाँ से ये इस साइड जाते हुए दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वहाँ पे नहीं लगा पा रहे हैं तो आप ये जम्पर यहाँ पे लगा सकते हैं चार्जिंग के फर्स्ट पॉइंट पे, इस वाली पॉइंट पे। चलिए हम अभी यहाँ पे लगा लेते हैं और आपको पास से भी दिखा देंगे सब कुछ, जम्पर टेस्ट कराने के बाद सब कुछ दिखा देंगे। चलिए हम पहले यहाँ पे एक जम्पर लगा लेते हैं। तो ये जम्पर देखिए हमने इस वाले पॉइंट पे पहले वाले नंबर पे लगा दिया है। ठीक है, और ये जम्पर अब हमको थोड़ा सा बड़ा है तो इसको कट कर देते हैं। और इस तरीके से इसको मोड़ दिया है। इसके बाद आपको ये जम्पर यहाँ पे ये वाला जो जैक है इसको उठाना है। ये सैमसंग का A10S है फोन, और यहाँ पे जम्पर लगाना है। देख सकते हैं कि ये जो जैक है, जैक को हमने जैसे ही निकाला तो यहाँ पे एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये जम्पर लगेगा। यहाँ पे ठीक है, तो चलिए हम लगा देते हैं, इसके बाद आपको टेस्ट भी कराएंगे। देखिए अभी हमने ये जम्पर यहाँ पे लगा दिया है, और यहाँ पे लगाने के बाद इस वाले जैक को हम लगा देते हैं जैसे कि तैसे। और ये वाला यहाँ से गया और ये हमने इसके चार्जिंग के पॉजिटिव वाले पॉइंट पे लगा दिया है। इस वाले पे ठीक है, ये पॉजिटिव वाले पे लगा दिया है। अगर आपको यहाँ नहीं लगाना है, इसको नहीं उठाना है, तो आप इस पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपका वर्क जो है हो जाएगा। और चलिए अभी हमने जम्पर लगा दिया है तो अभी हम सीधा सीधा टेस्ट करा देते हैं आपको। ये चार्जर उठाया और ये चार्जर लगाया, और देख सकते हैं कि चार्जिंग होना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।